हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? हो फाइन, वेलकम टू डोंट नो डॉक्टर वंस अगेन। तो इस वीडियो में आपके लिए मैं लाया हूँ एक जियो फाइबर पे जो क्वेश्चन आ रहा था कि जियो फाइबर के जो कस्टमर केयर है उस पे उनका मतलब काफ़ी लोगों का फ़ोन लग नहीं रहा। और मैंने हाल ही में एक वीडियो डाला था, मैं कार्ड्स पे डाल दूंगा, जिसमें मैंने कस्टमर केयर से बात की थी और मैं बताया था कैसे वो घुमा रहे हैं। तो ये रिक्वेस्ट आई थी काफ़ी लोगों की कि आप बताएं कि आपने कस्टमर केयर को कैसे फ़ोन मिला है। तो वो सीधा थोड़ा ट्रिकी है, सीधा नहीं मिलता नंबर। तो अगर आप बात करना चाहते हैं कस्टमर केयर से तो ये स्टेप्स जो मैं आपको बताने वाला हूँ फॉलो करें तो डेफिनेटली आप जियो फाइबर के लिए रिलायंस के कस्टमर केयर में बात कर सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम के बारे में बता सकते हैं। तो वो कैसे करना है, कौन सा नंबर है, और वो नंबर जाने के बाद कुछ स्टेप्स हैं उसमें, तो वो स्टेप्स आप जब फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आपको वहाँ से रिप्लाई मिलेगा। फ्रेंड्स, ये है नंबर 1800-896-9999। तो ये नंबर आपने मिलाना है। तो हमें कॉल करते हैं, स्पीकर ऑन करता हूं ताकि आपको पूरा पता लगता रहे। वेलकम टू जियो, हिंदी के लिए एक दबाएं, टू कंटिन्यू इन इंग्लिश प्रेस टू। तो हम टू दबाते हैं। जियो फाइबर सपोर्ट इज नाउ अवेलेबल ऑन व्हाट्सएप, मैनेज योर जियो फाइबर अकाउंट एंड मच मोर। व्हाट्सएप HELLO दैट इज हेलो 7 777 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
ये सब सुनना पड़ेगा आपको, इसके बाद ही आप जा सकते हैं। 8:47 PM फॉर रिचार्जेस एंड प्लान्स प्लस 1, फॉर अमेज़न प्राइम ऑफर प्लस 2, ये भी नहीं चाहिए। फॉर इंटरनेट स्पीड एंड वॉइस कॉल रिलेटेड इश्यूज प्लस 3, ये चाहिए हमें। टू नो स्टेटस ऑफ योर न्यू जियो फाइबर कनेक्शन प्लस 4, ये भी नहीं चाहिए। टू रिपीट प्लस 0, तो हमें 3 चाहिए, 3 दबाते हैं। If you are unable to access internet or facing speed issues, press 1. ये हो रहा है हमारे साथ। If you are facing any issues with voice services, press 2. ये नहीं हो रहा। तो repeat, press 0. तो यहाँ पर हम दबाएंगे। To the previous menu, press 7. To return to the main menu, press 8. To speak to our advisor, ये press 9. तो यहाँ 9 दबा दें आप। Please hold while we transfer your call to तो इस तरह से फ्रेंड कस्टमर केयर मिलेगा, हम उनसे बात करते हैं। All our customer care advisors are currently busy addressing other customers. For faster support, try our WhatsApp Geo Care service. ये मत करें। Simply WhatsApp hi. WhatsApp करेंगे तो सिर्फ एक WhatsApp का रिप्लाई आ जाएगा। 700007 and ask Geo. This call will be recorded and monitored. मिल गया। चलो इंग्लिश वाले नहीं बोल रहे, हम हिंदी वालों पे चलते हैं। फिर से कॉल करें। वेलकम टू जियो, हिंदी के लिए एक दबाएं। एक दबाया। इन इंग्लिश, जियो फाइबर सपोर्ट अब व्हाट्सएप पर उपलब्ध है। आपका जियो फाइबर खाता और बहुत सारी सुविधाओं का प्रबंध करें। HELLO यानी हेलो टाइप करके व्हाट्सएप करें 7000570005 पर। इंटरनेट सेवाओं से संबंधित प्रश्नों के लिए एक दबाएं। वॉइस कॉल सेवाओं से एक दबाएं। इंटरनेट से आपके पास डेटा बैलेंस है 3251.92 GB जो 13 दिसंबर 2020 8
47 PM तक वैध है आपका वर्तमान प्लान। 13 December 2020 8:47 PM रिचार्ज और प्लान के लिए 1 दबाएं। Amazon Prime ऑफर के लिए 2 दबाएं। नहीं चाहिए। इंटरनेट स्पीड और वॉइस कॉल से संबंधित समस्याओं के लिए 3 दबाएं। ये चाहिए। अपने नए यदि आप इंटरनेट का उपयोग नहीं कर पा रही है या आपको इंटरनेट स्पीड संबंधी समस्या आ रही है तो 1 दबाएं। अगर आपको वॉइस कॉल सेवाओं में कोई समस्या आ रही है तो 2 दबाएं। दोबारा दर्ज करने के लिए कृपया 0 दबाएं। 1 दबाएं। पिछले मेन्यू पर कृपया ध्यान रखें कि आपके पास डेटा कोटा के साथ एक एक्टिव रिचार्ज प्लान हो। वो है। यदि आप एक साथ अनेक डिवाइसेस को कनेक्ट करके इंटरनेट का उपयोग कर रहे हैं तो आप सामान्य की तुलना में धीमी इंटरनेट स्पीड का अनुभव कर सकते हैं। ये नहीं चाहिए। पुरानी डिवाइस पर भी धीमी स्पीड का अनुभव कर सकते हैं क्योंकि उनमें नवीनतम वाईफाई तकनीक का उपयोग नहीं होता है। ये पागल बना रहे हैं इस टाइम। तेज इंटरनेट स्पीड देती है। दोबारा दर्ज करने के लिए कृपया 0 दबाएं। पिछले मेन्यू पर लौटने के लिए 7 दबाएं। मुख्य मेन्यू पर लौटने के लिए 8 दबाएं। हमारे सलाहकार से बात करने के लिए 9 दबाएं। बस ये सलाहकार से बात करनी है आपने। करें जल्द ही हमारे एडवाइजर आपकी सहायता में उपलब्ध होंगे। तो फ्रेंड्स इस तरह से आप कस्टमर केयर से बात कर सकते हैं और अपनी कंप्लेंट बता सकते हैं। और मैं आपको प्रेफरेबल टाइम बताऊंगा कि आप दिन के समय में 11, 12, 10, 11 के बीच में ही फ़ोन करें क्योंकि उस टाइम काफ़ी इनके कस्टमर अवेलेबल होते हैं। इस टाइम थोड़ा स्टाफ की कमी होती है तो कई बार वो अपने आप ही फ़ोन काट देते हैं। तो ये प्रोसेस अगर आप 10-11 बजे के दौरान सुबह करेंगे तो डेफिनेटली आप अपनी कंप्लेंट बता पाएंगे। तो यही था आज का वीडियो जिसमें मैंने आपको बताना था किस तरह से ये रिक्वेस्ट आई थी। और इसके अलावा आपकी कोई टैक्स रिलेटेड रिक्वेस्ट या M30S रिलेटेड और या कोई भी ऐसी रिक्वेस्ट है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में लिखें और ज़्यादा डिमांड आने पे मैं उस पर वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। थैंक यू।